नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं दीप गज पे आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खास वीडियो। बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है मुझे कि दीप साहब, ये स्टॉक अच्छा है या म्यूचुअल फंड अच्छा है? इसके पहले भी मैंने एक वीडियो उसके ऊपर बनाया था, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा डिटेल में है। सो ये क्वेश्चन जो रहता है, ये क्वेश्चन का मैंने सोचा कि एक बहुत डिटेल एनालिसिस करके मैं आपको आंसर दूँ। सो वापस आपसे रिक्वेस्ट, गुजारिश, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इम्पीरियल मनी, इन्वेस्टमेंट सही, फ्यूचर सही। आइए चलते समझते हैं कि मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया है मिड कैप का, और एक मिड कैप स्टॉक लिया है, इसका नाम है एडलविस म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, और दूसरा जो है वो है अशोक लेलैंड, ये स्टॉक है। तो अगर आप इसको देखेंगे, तो अगर आपने 1 लाख रुपए डाले होते 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 में, तो आपके 1 लाख के जो है इसमें बने हैं 6,25,000 रुपये, और अशोक लेलैंड में जो है आपके बनते थे अराउंड 7,32,000 रुपये। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज, मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लाख रुपए का डिफरेंस है पक्का, अच्छी बात है। बट इसकी वोलेटिलिटी देखिए, जिससे कि हमको काफ़ी डर लगता है, ये कितना हेवी ऊपर गया, फिर इतना हेवी नीचे आया, फिर इतना हेवी ऊपर गया, और फिर यहाँ से ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोग तो इतना हेवी ऊपर जाने तक पहली बात तो रुकते नहीं है, और दूसरी बात जब ये नीचे टूटता होता है तो यहाँ पे बेचते हैं, और जब ये वापस से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे, इट इज स्टडीली इट इज गोइंग, जब ये फॉल भी आया तो बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया, स्टडीली स्टडीली इट इज गोइंग। सो यू सी द वोलेटिलिटी व्हाट द अशोक लेलैंड इज हैविंग एंड द काइंड ऑफ स्टडी रिटर्न व्हाट द म्यूचुअल फंड एटलीस्ट म्यूचुअल फंड इज हैविंग इज अमेजिंग। वी गोइंग टू टेक द अनदर वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, इसका नाम है बेसिकली मीराई असेट का इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसमें मैंने इसको रिलायंस के साथ इसका कंपैरेटिव एनालिसिस लिया है। तो अगर आपने इसमें आपने अगर 1 लाख रुपए डाले होते तो आपको 7,29,000 मिलते थे, और अगर रिलायंस स्टॉक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर पैसे डाले होते तो 6,14,000 मिलते। तो डिफरेंस कितने का है सर? डिफरेंस मोटा मोटा 1 लाख रुपए का है। तो द फंड हैज बीन परफॉर्म्ड मच बेटर देन इवन आपका ये स्टॉक। सो इसमें आप देखिए, अगेन द म्यूचुअल फंड इज हैविंग अ वेरी कंसिस्टेंट पाथ, ऑन द कॉन्ट्री स्टॉक इज हैविंग, स्टॉक वाज अंडरवेलिंग रादर, अंडर परफॉर्मिंग रादर यू कैन सी द मिराई असेट लार्ज कैप फॉर क्वाइट अ गुड टाइम, क्वाड इमर्जिंग ब्लू चिप को बहुत लंबे टाइम तक उसने अंडर परफॉर्म किया। जब आउटर परफॉर्म किया तो वोलेटिलिटी बढ़ गई, फिर अंडर परफॉर्म किया। सो द रिलायंस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन इंडिया हैज बीन अंडर परफॉर्म दिस पर्टिकुलर स्टॉक, दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, और इसकी वोलेटिलिटी भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कंसिस्टेंटली। सो ये पीरियड वाइज मैंने यहाँ पे एनालिसिस दिया हुआ, राइट? अगेन इन द अनदर वेरी एग्जाम्पल, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज बेसिकली अगेन यू कैन सी SBI स्मॉल कैप और SBI स्टॉक। मैं बोलता हूँ हमेशा ही मैं बोलता हूँ कि आप अगर SBI का, आपको बैंक में जब जो FD करते हैं ना, FD करते हैं SBI के, FD ना करके आप SBI की म्यूचुअल फंड ले लीजिए या फिर SBI का स्टॉक ले लीजिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बहुत ही शानदार कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा हूँ। SBI का स्टॉक में अगर आपने पैसे डाले होते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख रुपए, तो स्मॉल कैप में मिलते थे 9 लाख रुपए, और SBI के स्टॉक में मिलते थे 2.5 लाख रुपए। अब देखिए, ये SBI का स्टॉक है और ये SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, कैप देखिए कितनी बड़ी है। तो इवन SBI म्यूचुअल फंड हैज बीन आउट परफॉर्म लाइक एनीथिंग टू SBI स्टॉक। I'll give you another example. ये दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, इस वे का फ्लेक्सी कैप फंड और सन फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है। इस सन फार्मास्यूटिकल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स फर्स्ट हैज बीन आउट परफॉर्म द SBI फ्लेक्सी कैप फंड। उसके बाद जो SBI फ्लेक्सी कैप फंड ने आउट परफॉर्म किया, SBI उसके आजू बाजू पर भी नहीं फटका। मैं ये अलग अलग एग्जाम्पल जो मैंने दिया आपको, मतलब आप देख लीजिए, इधर मैंने एक ऑटो कंपनी के बारे में बात किया अशोक लेलैंड, मैंने एक यू कैन से डाइवर्सिफाइड एक बहुत बड़े ग्रुप के बारे में बात की, दैट इज रिलायंस, मैंने बात करी एक बैंक जो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक है उसकी, और दूसरा मैंने बात करी वन ऑफ द बिग फार्मा कंपनी, दैट इज सन फार्मा। मैंने डिफरेंट 4 सेगमेंट के एग्जाम्पल लिए, और इन सेगमेंट के एग्जाम्पल में से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना ये चाहता हूँ कि स्टॉक इज ऑलवेज द वोलेटाइल, आपका उसमें पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है, रहना चाहिए। बट द म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, इट नेवर गो सो मच वोलेटिलिटी, एंड द गारंटीड रिटर्न इज इन द लॉन्ग टर्म इज बेसिकली
100% will going to get perform in your portfolio. What I mean to say, the low volatility, that is low beta, and a high performance, the high alpha. And that is what actually the mutual funds makes the investing more easy and comfortable. मुझे लगता है अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप 10 रुपये चाहिए तो या 5 रुपये स्टॉक में डालिए, लेकिन 95-90 रुपये जो है ना आपने म्यूचुअल फंड में डालने चाहिए. दैट इज अ म्यूचुअल फंड इज अ बेटर एसेट क्लास, बिकॉज एक फंड मैनेजर उसको मैनेज करता है, एक नॉलेजेबल प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच उसके अंदर रहती है. सो म्यूचुअल फंड इज सर्टनली अ सही है इन्वेस्टमेंट, सही फ्यूचर, सही. फॉर मोर डिटेल इफ यू वांट टू नीड अ मोर एनालिसिस प्लीज डू राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन रियली कम बैक टू यू विद द मोर बेटर एनालिसिस रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड सही है या स्टॉक सही है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.